गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर थर्ड पेपर नंबर फर्स्ट अमूर्त बीज गणित, उसमें यूनिट नंबर थर्ड कौन सी वाले पूर्णांक के प्रांत और फील्ड यानी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वाले की डेफिनेशन, वले में अलग अलग टाइप की वले की डेफिनेशन, प्रांत के प्रांत की डेफिनेशन और क्षेत्र की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद जो उसमें रिलेटेड थ्योरम्स थी वले पे, प्रांत के प्रांत पे और क्षेत्र पे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे यूनिट नंबर थर्ड में वले प्रांत के प्रांत और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो आज हम पढ़ेंगे वले का अभिलक्षण। क्या पढ़ेंगे वले का अभिलक्षण। देखो माना आर प्लस और डॉट, माना आर प्लस और डॉट क्या है, कोई वले है माना आर प्लस और डॉट कोई वले है, तब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n r का अभिलक्षण क्या लगता है, माना आर प्लस दो कोई वले है, तब छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक n r का अभिलक्षण कहलाता है यदि n डॉट a इक्वल टू जीरो हो, इंप्लाई दैट a का नंबर एलिमेंट हो r का। माना आर प्लस डॉट कोई वले है, तब छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक n r का अभिलक्षण कहलाता है यदि n डॉट a इक्वल टू जीरो हो तथा a r का एलिमेंट है, और यदि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n यदि विद्यमान न हो तो r का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है। क्या बोला, माना आर प्लस डॉट कोई वले है, तब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n r का अभिलक्षण कहलाता है यदि n डॉट a इक्वल टू जीरो हो, सच दैट इंप्लाई दैट a बिलोंग टू r, और छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक n यदि विद्यमान न हो तो r का अभिलक्षण शून्य या अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य या अनंत कहलाता है। आगे समझते इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जांपल समझते हैं। देखो
देखो एग्जांपल से समझो, बेटा इसको पहले का एप्लीकेशन देखो, देखो कोई ऋण मानी मैंने Z3+3.3, ठीक है, थ्री का समचेज मोड और प्लस मोड। आगे चीज समझ में, ये क्या मानी मैंने, वाले मानी, ये क्या मानी वाले, तो Z3, देखो Z3 Z5 मान लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा एलिमेंट मान लेते हैं, देखो Z5 क्या देगा, 0, 1, 2, 3, 4, पता है ना, 5 Z5 है तो उसमें एलिमेंट 1, 0, 1, 2, 3, 4 होगी। अब देखो सॉल्यूशन ये, देखो 5+5 0 क्या हो जाएगा, 5 0 = कितना आएगा, ठीक है, +5 = 5 क्यों क्यों वहां पे था डबल इलेक्शन में n.3 गुणन के लिए, देखो 5 0 0 0 आ रहा है, 5 1 से करूंगा 5 5 5 5 0 2 5 10 10 5 10 0 0 15 15 0 0 20 20 5 5 5 5 क्या बार में इसमें 0 25 25 4 तक तो लेंगे एलिमेंट, बस ये हो गया। देखो सब में देखो क्या की डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की, कोई n ऐसा एलिमेंट होगा जिसको मैं r के मतलब जो एक समुच्चय माने ना उसके एलिमेंट हूं तो आंसर क्या आना चाहिए 0, तो वो n के कहलाएगा उस वाले का रिलेशन। देखो ये n ये क्रॉस 5 ये a इसका एलिमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब निम्न वाले R Z5+5 cross 5 का अभिलक्षण 5 है, कितना है 5 है। आगे एग्जांपल समझने, ये कहलाता है इसका अभिलक्षण, ठीक है, आया समझ में। अब ले उसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते देखो, आइए अब सिंपल सी को ले लो, मान लो ये लिया मैंने एक रिंग ले ली आर जेड प्लस और डॉट, क्या ले ली मैंने जेड प्लस और डॉट, तो इसमें ऐसा कोई छोटी से छोटा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं है जिसके लिए n root a equal to 0 हो, अतः वाले Z+root अतः वाले आर इक्वल टू जेड प्लस डॉट का अभिलक्षण
शून्य या अनंत है। ऐसा इसमें ऐसा कोई भी छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक एंड विद्वान नहीं है जिसके लिए एंड और ए हो, ए यानी हर एलिमेंट तो इक्वल टू जीरो हो, अतः आर इनटू जेड प्लस डॉट का विलक्षण शून्य या अनंत होगा। यदि आप विलक्षण नहीं मिलेगा तो क्या मानेंगे, शून्य या अनंत। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। क्लियर बेटा, तो इसको देखो आगे, देखो आप लिखना है पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण डेफिनेशन देखो, किसी पूर्णांकीय प्रांत डी तथा डी या क्षेत्र एफ में छोटे से छोटा किसी पूर्णांकीय प्रांत डी या क्षेत्र एफ में छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक एन किसी पूर्णांक के प्रांत डी या क्षेत्र एफ में छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक एन इस प्रकार विद्यमान है कि एन डॉट वन इक्वल टू जीरो हो तो एन को डी या एफ का अभिलक्षण कहते हैं। किसी पूर्णांक के प्रांत डी या एफ में छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है कि n डॉट वन इक्वल टू जीरो हो तो n को d या f का विलक्षण कहते हैं। आगे प्रश्न में तथा यदि d या f में ऐसा कोई छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक एन विद्यमान न हो तथा यदि डी या एफ में ऐसा कोई छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक एन विद्यमान न हो कि एन डॉट वन
इक्वल टू जीरो हो तो डी या एफ का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है। ठीक है, क्या लिखा देखो, किसी पुराण के प्रांत डी या क्षेत्र एफ की छोटे से छोटा जरातर पुराण एन इस प्रकार उत्पाद हो कि एन डॉट वन इक्वल टू जीरो हो तो एन को डी या एफ का विलक्षण कहते हैं, तथा यदि डी या एफ में ऐसा कोई छोटे से छोटा जरातर पुराण एन विद्वान न हो कि एन डॉट वन इक्वल टू जीरो हो तो डी या एफ का विलक्षण शून्य या अनंत होता है। योगी पुराण की प्राप्त वहां पे ये लिया था क्योंकि वहां डॉट के लिए हमारे को तत्सम का उपयोग पता नहीं था, जबकि प्रणाम के प्रांत और क्षेत्र में डॉट के लिए तत्सम का उपयोग पता है। एन डॉट वन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। आगे समझते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लो फिर आगे चलते देखो। लो जल्दी फिर आगे चले। देखो आगे देखो, कथन देखो, पुणाम किए प्रांत का अभिलक्षण, पुणाम के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य या तो शून्य है या अखंडनीय है। क्या बोला उसने, प्रणाम के प्रांत का विलक्षण या तो शून्य होगा, या तो क्या होगा शून्य होगा, नहीं तो अखंडनीय होगा, मतलब जो भी प्रणाम के प्रांत है वो ऐसा आएगा जिसके हम टिप्पणी नहीं कर सकते। टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, प्राइम नंबर आए नहीं है सबने। ठीक है, देखो समझो, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, माना डी प्लस और डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है। माना डी प्लस और डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, सीधी सी बात है, मानेंगे। आगे देखो, यदि माना डी प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है तथा माना ए को एलिमेंट है डी का और ए नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू जाएगा जीरो। यदि मैं मान लू कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो उसमें एक एलिमेंट है, क्या है एक एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, तो जाएगा तब डी का अभिलक्षण शून्य होगा। क्या बोले, देखो माना डी प्लस डॉट एक प्रांत है
तथा माना ए डी में है, डी नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो है। यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, देखो ऑर्डर ऑफ ए का मतलब ए की पावर जीरो इक्वल टू ए की पावर टेन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होता है ए की पावर एन इक्वल टू ई होता है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होता है एन, तो ऑर्डर ऑफ जीरो पावर जीरो इक्वल टू ई, ये होगा। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ए, इसका मतलब ए की पावर जीरो इक्वल टू ई, और ई मुझे पता है इसके अंदर क्या है, वन है, इसका तत्सम अवयव है, तो तत्सम अवयव वन है, वन है अकेला एलिमेंट है, वन है ही, तो क्या दिक्कत है, तब तो वही है, डी का रिलेशन शून्य हो जाएगा अपने आप ही, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे एक ही एलिमेंट है तो मैं इसका किससे नोट करूं कि जीरो है, किससे नोट करूं, कोई एलिमेंट नहीं दूसरा नहीं है, तो फिर क्या बोला था कि इसका जो अभिलक्षण होगा वह तो शून्य होगा या अनंत होगा, अनंत का लिखा नहीं उसने, क्या बोला है शून्य होगा, तो शून्य मान लिया, क्या मान लिया, शून्य, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब माना कि ऑर्डर ए जो है वो इक्वल है पी के, पी क्या है, परिमित संख्या है, जहां पी एक संख्या है, या ऑर्डर ए इक्वल टू जीरो माना है, तो मतलब एक एलिमेंट इसमें तत्सम हो गया, तत्सम हो गया एक एलिमेंट है, तो सीधी सीधी बात है उसका मैं किससे प्रोडक्ट करूँ, जीरो आ जाएगा, तो एलिमेंट नहीं दूसरा, इसका मतलब उसका जो अभिलक्षण है वो क्या हो गया, शून्य, अनंत भी हो सकता है शून्य भी हो सकता है, या शून्य भी आ सकता है अनंत भी आ सकता है, दोनों एक ही चीज है, बस माना है उसकी, तो ये तो ठीक है। अब हमने मान लिया, अब माना कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी है, जहाँ पी एक परिमित संख्या है, मतलब अब एलिमेंट सर है परिमित संख्या में, तो देखो क्या होगा, अब क्या अब मुझे बता दें कि P जो है वो क्या है, अखंडनीय, अखंडनीय यानी अभाज्य है, क्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि P अखंडनीय या अभाज्य है, ठीक है। अब जब ये सिद्ध करते हैं तो अपनी वही बात ऊर्जा मान की किताब वाले खिलाफ जाते हैं, देखो अतः संभव हो तो माना पी खंडनीय है या बाज्य है, क्या है, खंडनीय या बाज्य है, इसका मतलब क्या हो गया, अतः तो पी को मैं लिख सकता हूं पी वन मल्टीप्लाई पी टू, लिख सकता हूं, लिख सकता, जहां पी वन लेस देन पी और ग्रेटर देन वन, और P2 less than P और greater than 1, 1 से 2 क्योंकि 1 तत्सम अवयव हो गया, P को मैंने मान लिया भाज्य, 2 के गुणा पे होगा, जैसे 4 है 6 है तो ये भाज्य है, ये 2 इंटू 3 तो लिखूंगा इसको, P को मैंने भाज्य माना तो 2 इंटू 3 P1 इंटू P2, आगे समझ में आ गया, देखो चूंकि ए बिलोंग करता है डी में, क्या बोला, चूंकि ए बिलोंग करता है डी में, ए डॉट ए वो बिलोंग करेगा डी में, यानी कि ए स्क्वायर वो किसे बिलोंग करेगा, डी में, किसे बिलोंग करेगा, डी में,
ठीक है। और हमने स्टार्ट में पढ़ा था ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू है पी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है पी आया ना, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, यहाँ पे ए भी डी का एलिमेंट है, ए स्क्वायर भी डी का एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया p डॉट ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हमने पढ़ा था, यानी ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू a n है, तो a डॉट n इक्वल टू जाएगा जीरो। आगे समझे, यदि p डॉट a स्क्वायर यानी ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है तो a n इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये थ्योरम प्रूव करी थी और ये भी प्रूव किया था ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू p है तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू p होगा। ठीक है, प्रूफ किया था ना कि प्रत्येक एलिमेंट की पावर को हम उसके पूर्णांक के रूप में दर्शा सकते हैं, किसी एक पूर्णांक के रूप में। ये आ गया समझ में, p को मैं क्या लिख सकता हूं p1 p2। आ गया समझ में, आगे देखो यहां पर क्या कर सकता हूं, अलग अलग अंकों देखो इधर कर रहा हूं p1 p2 डॉट ए डॉट ए, ये ए और ए को दो बार अलग कर लिया। देखो p1 इन दोनों के साथ देखूंगा p2 a और a, इन दोनों के साथ देखूंगा तो p1 a p2 a आए ना। और हम जानते हैं न्याय इधर कर रहे हो, हम जानते हैं डी पूर्णांकीय प्रांत है, अतः डी शून्य बाधित रहित है, अतः यदि p1 a और p2 a इक्वल टू जीरो है तो p1 a इक्वल टू जीरो होगा या p2 a इक्वल टू जीरो होगा, दोनों जीरो के याद आ गया तुमने। अब देखो p1 a इक्वल टू जीरो है, p2 इक्वल टू जीरो है, दोनों से सर्वप्रथम मान लेंगे कि जीरो है, वो नहीं है, सर्वप्रथम माना p1 a इक्वल टू जीरो है तथा p2 a नॉट इक्वल टू जीरो। सर्वप्रथम मैंने क्या मान लिया कि p1 a इक्वल टू जीरो है, p2 a नॉट इक्वल टू जीरो है, आगे चीज समझे, इसका मतलब क्या हुआ देखो कि p1 a इक्वल टू जीरो है तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल हो गया p1 के, ऑर्डर ऑफ a इक्वल हो गया p1 के, इक्वल मीन लेंथ एंड ग्रेटर है ना, दो भी इक्वल हां है ना। इधर देखो देखो ऑर्डर ऑफ a जो है वो इक्वल हो गया किसके p1 के, और यहां पर मुझे पता है कि p1 जो है वो लेस देन है किससे p से, ऑर्डर ऑफ a p1 a इक्वल टू 0 इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल हो गया p1 के, इससे यहां पे जो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू p था तो उसको मैंने p a स्क्वायर लिख दिया, तो ऑर्डर ऑफ a ऐसे यहां ऑर्डर ऑफ a इक्वल हो गया p1 के, लेस देन p होता है p1, ये देखो p1 जो है वो लेस देन p है, जबकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो इक्वल p के, और यहां तो क्या बन रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन बी के आया ना। ठीक है, जबकि जबकि हम
जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल बी के, अतः समीकरण ए असत्य है, अतः समीकरण एक असत्य है। क्या है? अतः समीकरण एक असत्य है। इसी प्रकार दूसरी प्रकार इसी प्रकार माना पी टू ए इक्वल टू जीरो है तथा पी वन ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा पी टू के, क्योंकि पी टू क्या है, लेस देन पी है, जबकि हम जानते हैं इसको नंबर टू, जबकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा पी के, ये जो यहाँ पे माना आपने, जबकि यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन पी आ रहा है, अतः समीकरण दो असत्य है। तो लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पना अमान्य है, अतः पी अखंडनीय है, अतः पी क्या है अखंडनीय है। अतः हमारी परिकल्पना अमान्य है, तो पी क्या है अखंडनीय है। तो पुराण की प्रार्थना तो पुराण की प्रार्थना अभिलक्षण यहां तो शून्य शून्य या अखंडनीय होता है, एंड प्रूफ आगे चीजों में आया, ठीक है, ये प्रूफ होगी। एक बार और समझ ले, देखो पुराण के प्रांत का विलक्षण या तो शून्य या अखंडनीय, अखंडनीय नहीं है अभाज्य, अभाज्य लिखा हुआ आ सकता है। देखो मानक डी प्लस डॉट एक पुराण के प्रांत है तथा मानक ए बिलोंग टू डी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है तो डी में अभिलक्षण शून्य होगा अपने आप ही, ठीक है। कैसे होगा वो देख लो, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट जीरो, तो जीरो आएगा, तो ए इसका एलिमेंट है, जीरो से शून्य लेकर जीरो आ गया, तो जीरो आ गया। अब माना कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, पी एक अपरिमित संख्या है, मुझे प्रूव करना है कि पी अखंडनीय या अभाज्य है, आदत अपनी उल्टा मानने की मान लो, अतः संभव हो तो माना पी खंडनीय भाज्य है, तो पी को मैं कह सकता हूँ पी वन इंटू पी टू, जहां पी वन लेस देन पी से ग्रेटर देन वन से, पी टू लेस देन पी से ग्रेटर देन वन से। अब देखो ए को एलिमेंट है डी का,
ए स्क्वायर भी डी का एलिमेंट होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू बी है तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, ये छोटा ध्रुव कलियम नहीं, सम के अंदर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर पी होगा। देखो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, पी डॉट ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी हमने प्रूव किया है थ्योरम में। पी की वैल्यू पी वन इंटू पी टू डॉट ए स्क्वायर क्या दे सकता हूँ मैं, ए डॉट ए, एक तो मैंने पी वन के साथ दे दिया एक पी टू के साथ, मुझे पता है कि ये पूर्णांकीय प्रांत है, क्या है ये पूर्णांकीय प्रांत है, मुझे क्या पता है कि ये पूर्णांकीय प्रांत है, इसका मतलब क्या होगा, ये शून्य भाजक रहित होगी, शून्य भाजक रहित होगी, क्या थी शून्य भाजक रहित की डेफिनेशन, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या बी इक्वल टू जीरो होगा, यहां देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, पहले मान के ये जीरो है ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी वन, पी वन लेस देन पी सी है ये नहीं है, यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए पी से लेस देन आ रहा है, ये चीज गलत होगी, ये तो हमने माना, मानी चीज तो गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, अतः समीकरण एक है सत्य है। इसी प्रकार माना P2 A इक्वल टू जीरो है और P1 A नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू क्या P2, P2 लेस देन P के, जबकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू P होता है, अतः समीकरण सेकंड भी असत्य हो गया, अतः हमारी परिकल्पना अमान्य है, अतः P अखंडनीय है, तो पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो शून्य या अखंडनीय होता है, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था, आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। देखो चले आगे देखो, आगे देखो नेक्स्ट टर्म, देखो नेक्स्ट चैप्टर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई हुई है, देखो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, देखो मैं तो कथन क्या कह रहा है, कथन एक वाले आर, एक वाले आर के लिए के लिए दिया हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ये दिया हुआ है माना ही होगा, क्या दिया है बने आर के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू आर है, तब सिद्ध कीजिए कि, तब सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, ए बिलोंग टू आर,
सेकंड ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू बी होगा, ए और बी आर के एलिमेंट। थर्ड आर एक क्रम विधि में, आर एक क्रम विधि में वले है। देखो पहला एक वले आर के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू आर, तब सिद्ध कीजिए कि ए प्लस ए इक्वल टू जीरो ए बिलोंग टू आर होगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है ए इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू बी होगा जिसमें ए और बी आर के पर है। थर्ड आर एक क्रम विधि में वले होगी, क्या बताना है आर एक क्रम विधि में वले होगी। देखो समझो समझना, देखो प्रूफ माना आर प्लस डॉट एक वले है तथा ए स्क्वायर टू टू ए बिलोंग टू आर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो कि a प्लस a यदि r में है, क्या है a यदि r में है, ठीक है। फर्स्ट क्योंकि a यदि r में है, a यदि r में है a प्लस a भी किस में होगा r में होगा, होगा नहीं होगा, a r में है, a r में तो a प्लस a भी r में होगा, ये लाना तुमको, ये चीज यहाँ पे अप्लाई करूंगा। a प्लस a का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a प्लस a के, आई चीज समझ में। इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे होल स्क्वायर मत बोल देना ध्यान में, इसको मैं कैसे लिखूंगा देखो a प्लस a डॉट a प्लस a, आई आर समझ में, आगे लिखो a प्लस a a डॉट a प्लस a डॉट a प्लस a डॉट a प्लस a डॉट a इक्वल में a प्लस a, इसका मतलब क्या हुआ a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर इधर a प्लस a, a स्क्वायर किसकी इक्वल है a के, तो a फिर a फिर a फिर a आया ना। अब देखो a प्लस a को एक साथ लिखूंगा, a प्लस a को एक साथ लिखूंगा, इधर लिखूंगा मैं a प्लस a प्लस जीरो। अब लगाएंगे निर्सन नियम, निर्सन नियम से देखो ये वाली चीज कैंसिल आया ना, हुई ना कैंसिल, कैंसिल होगी तो क्या गया देखो a प्लस a इक्वल टू जीरो आ गया, यही लाना था आपको फर्स्ट पार्ट। ये प्रूफ करना है आर प्लस डॉट ए वले होगी, ये भी दिया हुआ है ए आर में, ए आर में ए प्लस ए के आर होगा वले है वो तो ग्रुप भी है यानी कि समूह भी है, समूह तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ए प्लस ए का स्क्वायर इक्वल होगा ए प्लस ए, यदि आर में एलिमेंट होगा। इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया ए ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए ए ए ए इन दोनों को एक साथ किया, इन दोनों के साथ इधर मैंने जीरो के साथ प्लस संख्या करवा दी ए प्लस जीरो। निर्सन नियम से, निर्सन नियम से कट गए वाम निर्सन नियम दक्षिण निर्सन नियम बढ़ाया था ना, क्या बचेगा देखो ए प्लस ए इक्वल टू क्या बच गया जीरो,
ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देखो, क्या है कि ए और बी एलिमेंट आर के तथा दिया है कि ए प्लस जीरो बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। देखो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए, क्योंकि ए प्लस ए इक्वल टू जीरो दिया हुआ है पहले बार से। देखो ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब देखो वो इंडिशन में निर्सन नियम से देखो, ये ए से कैंसिल, बी इक्वल टू क्या है ए, ये लाना था ए इक्वल टू बी। आगे सॉल्व में थर्ड पार्ट देखो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट देखो उसको मिला, थर्ड पार्ट देखो, देखो थर्ड पार्ट हमें सिद्ध करना है कि आप कर्म विधि में है, तो हमें सिद्ध करना होगा, तो हमें सिद्ध करना होगा कि ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के। ये बने हैं पहले से, तो प्लस के लिए तो पहले ही कर्म विधि में, प्लस के लिए मत कर देना जाना वाले की डेफिनेशन में, प्लस के लिए प्लस हम कहेंगे पहले से था वो कर्म के लिए, डॉट के लिए करना है। इंप्लाइज दैट जहां ए और बी किसके एलिमेंट है आर के, है ना। देखो अब समझो, अब देखो ए और बी आर के एलिमेंट है, ए प्लस बी के आर का एलिमेंट होगा, हाय ना, ठीक है। और मुझे ये भी पता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, इसमें यूज करेंगे। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, आगे समझे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। देखो समझो संक्रिया करूंगा तो ए डॉट ए, ए डॉट बी, b डॉट ए, b डॉट बी, आगे समझ में। आगे देखो a डॉट ए, a स्क्वायर, a डॉट b, b डॉट ए, b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b। आगे देखो a स्क्वायर क्या लिखूंगा, a ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी स्क्वायर क्या लिखूंगा बी, इसी से दिया हुआ नहीं, इसी से इक्वल में क्या चल रहा है ए प्लस बी, समझ आ रहा है। ए प्लस बी को एक साथ लिखूंगा, उसके बाद इसको लिखूंगा ए डॉट बी, बी डॉट ए इक्वल में चल रहा है ए प्लस बी, इसका स्क्रीन शॉट तो ले लिया था, अब प्लस जीरो। ए स्क्वायर ए, बी स्क्वायर बी, ए प्लस बी के साथ और ए डॉट बी, बी डॉट ए, आ गया समझ में। आगे देखो निर्सन नियम से
a plus b c plus b cancel, a dot b plus b dot a equal to 0, आया ना, a dot b plus b dot a equal to 0, आया ना सब में, और देखो, और हमें क्या पता है कि ये देखो इधर, यदि अभी देना हम जानते हैं कि यदि a प्लस b इक्वल टू 0 है तो a इक्वल होगा b के, देखो a प्लस b इक्वल टू 0 है तो a डॉट b ये पूरी a की वैल्यू इक्वल होगी b डॉट a के, यही सिद्ध करना था, करना था ना। अतः आप कर्म विधि में बने है, अतः आज कर्म विधि में वाले है, समझ में आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। स्क्रीनशॉट ठीक है, ये आज डेफिनेशन और अभिलक्षण की डेफिनेशन और ये दो चरण चल लिया है। कल हम अगली क्लास में उपवले के बारे में पढ़ेंगे, सब रिंग के बारे में, सब रिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसकी चरण उसके डेफिनेशन करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।